हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। जी हाँ, आप सभी का तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल एजुकेशन की 86 को इतना अच्छी ऊंचाई दे रहे हैं। लोग जुड़ते जा रहे हैं हमसे, आप भी जुड़िए। ठीक है, तो इसी पर हम आपसे एक छोटी सी, ये वीडियो है ना आज का जो जनरल नॉलेज का है, ये बता दूं, और ये टॉप 150 क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, मैं उसके आंसर बोलता जाऊंगा और ऐसे करते करते 150 क्वेश्चन कुछ मिनटों में हम खत्म करेंगे। तो इस पे एक थोड़ा सा शायराना मिजाज है हमारा आज का, तो आपकी, आप सभी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जी हाँ, नोट कीजिएगा, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जाहिर सी बात है, आज आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक है, क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हो। और जब जिस दिन सफल बन जाओगे, सपोज मान लो आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, आपके रिजल्ट आपके हाथ में होंगे, तो सफलता में उस समय दुनिया आपके साथ होगी। तो वही कहा है मैंने कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो हम देखते हैं इसी के साथ आज का क्विज, जो कि हमसे रिलेटेड है, हमारे एग्जाम से, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर एसएससी हो या रेलवे, वो हर वीडियो आपको मिलेगा आज की, आपके इस वीडियो में, जो कि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वो प्लीज जुड़ जाए, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को। जी हाँ, शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। ये देखिए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो वो है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम स्टेट है हमारा, उस स्टेट में नाथुला दर्रा जो है भारत के इस राज्य सिक्किम में है। ओके, और किस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी? तो ये याद रखिएगा, 1951 में हुई थी स्टार्ट। परंपरा तथा विकास के किसके द्वारा तय होता है? वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा होता है तय? तो जीन द्वारा होता है। ये लाइफ साइंस का सवाल है दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो उनसे हमारा प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर आकर कमेंट करें, बहुत अच्छा है। डिसकमेंट करें, डिसलाइक करें वीडियो को, वो भी अच्छा है, पर प्लीज किसी को एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, गाली गलौज ना करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत और भी स्टूडेंट हैं जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं। तो हम सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। देवगिरी, वारंगल, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था? तो वो थे मलिक काफूर। याद रखिएगा, मलिक काफूर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है जीके का, ठीक है, हिस्ट्री से। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है पीटीआई। जी हाँ, पीटीआई, इसका फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो वो प्लीज इसको कमेंट जरूर करिएगा। पीटीआई का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है क्या? तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ कि कौन से बच्चे कंफर्म इसका आंसर दे पा रहे हैं। चलिए, भारत की सबसे बड़ी समाचार की एजेंसी है पीटीआई, जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, नोट कीजिएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल देखते हैं। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम भारत का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है जीके में, आप लोग प्लीज इसको रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कहीं दूर से नहीं होने वाला है, सब यहीं से मिलना है, इसलिए बच्चों ध्यान लगा के। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जीरो आवर, ठीक है, जीरो आवर। ये आवर हिंदी में लिखा है, इसका मतलब आवर नहीं, घंटा है, ठीक है, जीरो आवर कहा जाता है। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को, ठीक है, नियत समय को। एनी बेसेंट ने होम रूल ली की स्थापना कब की? तो
तो नोट कीजिएगा, सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की, तो सितंबर 1916 ईस्वी में। ओके चलिए, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी कौन सा देश है? चलिए ये तो सबको पता है, समुद्र पार तो एक ही अपना देश है, बाकी तो सब सटे हुए हैं दुश्मन हमारे, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो यूएई हो, ठीक है, पर समंदर पार ये भी है, पर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम नहीं दिया मैंने। यहाँ पे श्रीलंका है जो कि हमारा एक अच्छा दोस्त भी रहा है शुरू से, ठीक है। चलिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो आंसर है 4 जुलाई को। ओके, सूर्य और पृथ्वी के सबसे बीच की अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया है? तो 1969 ईस्वी में, 69, जी हाँ नोट कीजिएगा, 1969 ईस्वी में। तो जरा मुस्कुरा दीजिए इसी बात पे, हम एक और बात आपको कह दें कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, दर्द यानी कि उसके एग्जाम के दर्द से रिलेटेड है, किसी के दिल से ना लीजिएगा, ठीक है। जो मुस्कुरा रहा है उसके दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, इट मीन्स कि जो मेहनत करेगा उसी के पाँव में छाला होंगे, इसी उसी के आंखों की रोशनी गायब होगी, ठीक है, वही अपने नींद को जलाए बैठा है। कहने का मतलब है कि आप सभी अगर मुस्कुराइए पर उस दर्द को पालिए, ठीक है, कि हमें कुछ करना है, कुछ निकालना है एग्जाम हमारे, और जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान तो चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसे दिए तो उजाला होगा। क्या ये, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैली है? तो वो है भरतनाट्यम, जी हाँ तंजौर शैली जो है वो भरतनाट्यम नृत्य की प्रमुख शैली रही है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का भी क्वेश्चन बन चुका है एक बार, ठीक है, वहां से है ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड, जी हाँ दसवां भाग। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? चलिए आंसर पता है तो आंसर दीजिए, यहाँ पे आंसर वैसे लिखा हुआ है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जी हाँ नोट कीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग सामाजिक अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। ओके बच्चों, अगला सवाल है हमारा, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो वो है रैमन मैक्सेस पुरस्कार, जी हाँ रैमन मैक्सेस पुरस्कार, नोट कीजिएगा, रैमन मैक्सेस पुरस्कार अवार्ड। ओके याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो है साधारण बहुमत, जी हाँ जो कि लोकतंत्र हमारा है, जो कि एक साधारण बहुमत से किसी भी हम पार्टी के नेता को चुनते हैं अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए, ओके वर्ल्ड लेवल पे, जो कि तो वही क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? तो एक बहुमत का, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर है मदर टेरेसा, जी हाँ ये इंडिया से नहीं थी, ठीक है नोट कीजिएगा, ये वो पहली भारतीय महिला है तो लिखा यहाँ पर ये इंडिया से नहीं थी, इन्होंने आकर यहाँ की नागरिकता पहले यहाँ हासिल की थी और उसके बाद यहाँ की सेवा की, उसके बाद इस सेवा के लिए इनको मदर टेरेसा का उपाधि भी मिला था, मदर का उपाधि मिला था, ठीक है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? तो 1773 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित हुआ है, ठीक है। तो सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि अपना रास्ता आप खुद बनाइए, कि आपको बैंकिंग निकालनी है या SSC निकालनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या बैंकिंग और SSC का रिलेटेड हमारा कुछ है क्या, कि बैंकिंग भी पढ़ रहे हैं और SSC तो कौन सा एग्जाम निकलेगा। तो आपको अपनी मंजिल खुद बनानी है, आसमान को चूमना है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, कहने का हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये रहा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो वो है समवर्ती सूची में।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो ये है काशी हमारे वाराणसी यूपी में 1916 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? तो ये सिंगर हैं, गायन से संबंधित रखते हैं। ओके, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अवार्ड किया गया है नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? तो गंगा नदी का। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नदी के बारे में अगर आपने भूगोल में पढ़ा होगा, तो अभी पढ़ोगे भूगोल का, जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां गंगा नदी का विस्तृत जानकारी दी जाएगी आपको। तो इसी पे मैं बोल दे रहा हूं आपको कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। ठीक है, तो कहने का हमारा तात्पर्य जो है यहाँ पे कि आप ऐसी मेहनत करो अपने एग्जाम के लिए कि आप पर दुनिया जो है फक्र करे आपकी इस बुलंदी पर जहां आप पहुंच चुके हो रहोगे। ठीक है, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे, यानी कि अगर अपने कर्म के प्रति इतना झुक जाओ कि आपको जो आपकी सक्सेस है वो भी आपको आपके ऊपर नाज करे। जी हाँ, तो मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ, आप सभी को मोटिवेट कर रहा हूँ इन सब चीजों से कि थोड़ा सा बता है। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, इसलिए आप सभी को थोड़ा खुश खुश रहकर ही पढ़ाना चाह रहा हूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड होते हैं ये, किन दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? तो वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं। ओके, भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में है ये भारतीय कला केंद्र। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की विधि होती है वो। ये सबसे बेकार व्यवस्था है, महाभियोग अगर ना हो हमारे देश में तो अच्छा है। ठीक है, चलिए, पंचायती राज किस सूची में आती है? तो राज्य सूची में आती है। ठीक है, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो इटली का। जी हाँ दोस्तों, नोट कीजिएगा, आंसर है इटली। द टाइम्स ओके, किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो ये है ब्रिटेन का द टाइम्स जो है, और द हिंदू वो इंडिया का है। ओके, ये न्यूज़पेपर आप लोग प्लीज पढ़ा कीजिए, द हिंदू। आपके एग्जाम जो भी होंगे, जो बैंकिंग के बच्चे हैं या एसएससी के बच्चे हैं, उनकी तो इंग्लिश माशाल्लाह हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोलना ही नहीं है। सामान कहते हैं ना कि सामान बांध लिया है मैंने भी, अब बताओ दोस्त वो लोग कहाँ रहते हैं जो कहीं नहीं रहते हैं। तो जो कुछ नहीं मिलता है आपको वो हिंदू पेपर में मिलेगा। जी हाँ, यहाँ से आपके इंग्लिश के सारे वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। ठीक है, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ उस पेपर का, मैंने इसको परखा है, जाना है, इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये एवर नोन है भाई, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, द हिटलर वुमेन ऑफ इंडिया। संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो वो टोटल 7 थे। ओके, ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसबीआई, अरे सॉरी सॉरी, आईबी में ये पूछ चुका है 2015 के पेपर में। भारत के तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो अपने राष्ट्रपति होते हैं। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। विख्यात तट पर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है मामल्लपुरम। ओके, अगला हमारा सवाल है 36। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है, ये बंगाल से थे और ये आजादी के समय इन्होंने ये नारा दिया था कि दिल्ली चलो। सौरमंडल में आकर की आकार सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो जाहिर सी बात है ये पांचवा है, सबको ही जानता है। ठीक है, पहला कौन सा है? तो बृहस्पति है। ओके, किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है? तो केरल का। ठीक है, ये ओणम एक त्योहार है, इसे नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य का। ओके, किस
किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा गया है? तो वो है शनि। जी हाँ, शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा गया है, पर अभी तक यहाँ पे जीवन का कोई आसार पता नहीं चल पाया है। अगला सवाल है हमारा, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए बताइए, कभी भी की हो गई हो, ठीक है, पर हमारे सामने तो आंसर है ही, 1954 ईस्वी में। बड़ी हिम्मत दी है उसकी जुदाई ने, ना ही किसी को खोने का डर है और ना ही आज ना ही किसी को पाने की चाह है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि बहुत ही बड़ी हिम्मत करके हमने जुदाई किया है किससे? फालतू कामों से, ठीक है, और उसको खोने का कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है उस लाइफ को, क्योंकि आज ना ही किसी को पाने की चाह है। तो सिर्फ पाने की चाह किसकी है? तो वो है अपने एग्जाम से रिजल्ट पाने की चाह रखते हैं वो बच्चे, उनके लिए था। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो वो है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह है। ओके, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। तो मनुष्य में मरकरी, मरकरी के विषाणतन कौन सा रोग होता है? तो मीना माता रोग होता है, ये मनुष्य मरकरी से जो भी रोग होता है, ठीक है, लाइफ साइंस में आपको पढ़ाया होगा आपके जीतू सर ने, ठीक है, सक्सेस की 98 पे जिनका वीडियो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णित है? तो अनुच्छेद 12 और 35, 12 से 35 किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो 12 और 35 में। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यहाँ लिखा तो है, आंसर क्या कीजिए, आपको पता होना चाहिए, जल्दी से आंसर टाइप कर दो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, रिमाइंड कीजिए, करो या मरो, ये आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल है, या तो कर जाओ या तो मर जाओ, मर जाओ यानी कि डेड नहीं हो जाओ, ठीक है, या तो कर जाओ या तो छोड़ दो, है ना, क्योंकि जो होता है तो हो जाता है, नहीं होता है उनसे नहीं होता है जो कोशिश नहीं करते, इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता है, कहा जाता था? तो सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसने किस किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग। नोट करते रहिएगा क्वेश्चन, आपको मैं बोलता जा रहा हूं, ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, एक बार आप देखते जाइए, आपके एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए है ही बॉस, करो या मरो, ठीक है, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वो उड़ान नहीं भर सकते हैं बच्चे, समझ गए, इसलिए पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, कमेंट बाजी मत करो, वहां पे कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ आंसर कमेंट करने का परमिशन दिया है हम लोगों ने आपको, तो सिर्फ पढ़ो, ओके, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वो उड़ान कभी नहीं भर सकते हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। ओके, नोटेड, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल ने पूछा है आपके 2015 में। महारानी विक्टोरिया के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, को किस वर्ष भारत का समग्र बनाया गया? 1858 में, ठीक है, 1857 में झांसी की रानी ने विद्रोह किया था, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 14। ओके, नोट कीजिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है, यानी कि सिमिलरिटी को इंडिकेट करता है? तो अनुच्छेद नंबर 14। ओके, कच्चे फलों को पकाने के कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। उन कपड़ों की शुष्क धुलाई में कौन सी गैस उपयोग में लाई गई है? तो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन कपड़ों की धुलाई करने के लिए, शुष्क धुलाई यानी कि थोड़ा सा नरम धुलाई के लिए। नाभीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो बहुत डीम होता है, ओके, इसलिए इस मंदक कहते हैं उसको। सूर्य के उच्च ताप का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन, यानी कि सूर्य के जो नाभिक में हाइड्रोजन की मात्रा का बहुत ज्यादा होना। ओके दोस्तों, तो हौसला देती रही मुझको मेरी बैसाखियां, हौसला
हौसला देती रही मुझको मेरी बैसाखियां, सर उन्हीं के दम पे सारी मंजिलें होती रही। यानी कि जो आपकी बैसाखी है, आपका जो बैसाखी है वो क्या है, आपका कलम है, ठीक है। और इस कलम के जरिए ही आप किस ऊंची मंजिल पर जा सकते हैं, तो सारी मंजिल इसके तत्मस्तक रहिए कलम के ऊपर, ठीक है। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा बच्चे, कमेंट बाजी बहुत कर रहे हैं लड़के ग्रुप में, ठीक है। तो प्लीज वहां से थोड़ा सा बी अवेयर रहिए आप लोग, नहीं तो ब्लॉक भी किया जा सकता है आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। हमारे पास सब्सक्राइबर ना हो या ना हो, हमारा जो पहला ध्येय है वो है उन बच्चों तक अपनी स्टडी को पहुंचाना जो कि बच्चे दूर दराज के गांव में हैं और उनको पढ़ने के लिए कुछ सुविधा नहीं है, जो बाहर शहरों में नहीं जा सकते पढ़ने, ठीक है। तो हमें बस ऐसे बच्चे चाहिए जो पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए, सर्वदा शक्तिशाली किस रेजिमेंट का ध्येय वाक्य है, तो वो है दी ग्रेनाइट्स, ओके। जसवंतपुरा पंचायत समिति किस जिले में है, तो जलोरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है, कैलकाटा में है आज भी, ओके। मुगल शासक जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था, ये मैंने आपको पढ़ाया है हिस्ट्री के लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग अगर हिस्ट्री का भी क्लास देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर वीडियो है हिस्ट्री से रिलेटेड, या फिर सक्सेस की 98 में जाइएगा, वहां पे हमने हिस्ट्री से रिलेटेड टोटल 7 क्विज करा दिए हैं। जी हाँ, 7 क्विज कराए हैं हम लोगों ने वहां पे। उन सारे क्विज को आप लोग अटेंड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए वीडियो ओपन करके, आपको समझ में आ जाएगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो वो है वन, ओके। पश्चिमी हिमालय सबसे ज्यादा संसाधन है तो वो वन है, यानी कि जंगल। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो पानी से कम घनत्व के कारण तैरता है, सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, तो अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, है ना, पर कमेंट कीजिएगा सिर्फ। किस शासक के काल के में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ, तो वो है कनिष्क। जी हाँ, कनिष्क का। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मानक ISO 22000 किस क्षेत्र के लिए किया गया है, तो ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए। नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये यूपीएससी के पेपर में आ चुका है और कोई भी पीसीएस के एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी में भी मे भी पूछ ले, ओके। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो प्लेयर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, जो खेल से रिलेटेड है, और वो 7.5 लाख रुपए की राशि होती है इंडियन करेंसी में। 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, तो रशिया में किए गए थे 22, ओके। और ये अभी फिर होने वाला है तो इसलिए इसका नोट कर लीजिएगा और ये आगे पीछे का थोड़ा भी देख लीजिएगा गूगल पे जाकर, है ना। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो है क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। ये स्टेट लेवल का क्रिकेट है जो कि इंडिया में खेला जाता है, रणजी ट्रॉफी। किस प्राचीन जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है भद्र बाहु चरित्र। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आंसर सही है, भद्र बाहु चरित्र में उनकी जो प्राचीन जैन ग्रंथ से है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में पता चलता है हमें। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा और ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि से। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है, तो साहित्य से। जी हाँ, व्यास कौन थे, वेद व्यास, उनसे रिलेटेड ये सम्मानित अवार्ड दिया जाता है जो कि साहित्य से रिलेटेड है, ओके। चलिए अगला हमारा सवाल है, रुद्रामा देवी किस राजवंश से संबंधित है, तो काकतीय राजवंश, ठीक है। इसके बारे में हिस्ट्री में कुछ मैं नोट्स देने वाला हूँ, दूंगा कभी, है ना, अभी आया नहीं इसका टॉपिक, इसलिए मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इसके बारे में बताऊंगा मैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 22 में, गया जो है वो बिहार में है ना, बिहार में गया जो जिला है उसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो
1922 में, जी हाँ, वो स्वतंत्रता के टाइम का ये बात है, मतलब उस समय ये लड़ाई में शामिल थे। तो देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के समक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1191 ईस्वी में, जी हाँ 1191 ईस्वी में। तो अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये है 74वें संविधान संशोधन का, है ना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? ऑल नोन, भारत रत्न अवार्ड, है ना। चलिए अगला सवाल है, तो खामोश रहता हूं क्योंकि अभी दुनिया को समझ रहा हूं, खामोश रहता हूं क्योंकि अभी दुनिया को समझ रहा हूं, वक्त जरूर लूंगा, जिस दिन दाव खेलूंगा उस दिन खिलाड़ी भी मेरे होंगे और खेल भी मेरा होगा। तो बच्चों आपका भी यही अंदर अंतरात्मा से निकलने चाहिए आवाज, यही, जितने खामोश रहो, चुप रहो, आपके आसपास आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मिलेंगे कि आपको डीमोटिवेट करेंगे। ओके, कि अबे यार, ये सपोज मान लो कोई बीटेक का बंदा है या कोई एमबीए करके आया है, अरे यार ये तू प्रिपरेशन में कहाँ लग गया, क्या कर रहा था अभी तक और अब क्या कर रहा है, तो आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे बहुत। वहां आप सिर्फ खामोश रहो, सबका सुनो, है ना, अभी पूरी दुनिया को समझना बाकी है, वक्त जरूर लूंगा, जिस दिन 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 जिस दिन दाव खेलूंगा और उसी दिन खिलाड़ी भी मेरे होंगे और दाव भी मेरा होगा, है ना। जिस दिन आपके रिजल्ट आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन वही लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। इसलिए खामोश रहिए और अपना कार्य कीजिए, है ना। तो सवाल देखते हैं, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबादीन को। बुद्ध या कार्ल मार्क्स के लेखक कौन है? बी आर अंबेडकर जी, जिन्होंने अपना संविधान भी लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयब जी। ओके, बद्रुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है, नोट कीजिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। संस्कृत भाषा हेतु साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2014 किसे प्रदान किया गया? तो वो प्रभुनाथ द्विवेदी जी को, है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, Q&A जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप है। मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी में। ओके, और सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? तो ये है इरेटोस्थनीज, इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या ही बता दी थी। विश्व में कुल भाषाएं बोली जाती हैं? 2792 भाषाएं बोली जाती हैं टोटल, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है जो पीसीएस लेवल का है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए एक विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, वो कब किया था? तो 1893 में, है ना, 1893 में किया था इन्होंने। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? तो कैशर ए हिंद की, जी हाँ, कैशर ए हिंद की उपाधि मिली थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जो कि महात्मा गांधी ने रिटर्न कर दिया था किसे, अंग्रेजों को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ये भी नोट कीजिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? ये नोट कीजिएगा, 2 दिसंबर, कंप्यूटर वाले बच्चे 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मना लीजिएगा। जी हाँ, इन नियमों को अपनाने से सफलता आपके कदम चूमेगी। ओके, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरबिलास सारदा, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अगला सवाल है हमारा, केरल राज्य विश्व भर में किसके संदर्भ संवर्धन के लिए किया जाता है? चलिए बताइए, इसका है गरम मसाले के लिए। ओके, केरला राज्य में विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो गरम मसाले का। स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहा क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम।
भीनमाल पंचायत समिति किस जिले से, जिस जिले में है, तो जालोर में, ठीक है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो, गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, किस ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की, उसके बारे में बताया था गैलीलियो ने। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चांद पर, ठीक है। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला पिंडों को क्या कहते हैं, तो वो है क्षुद्र ग्रह। ओके। विश्व में खट्टा शहद कहाँ मिलता है, तो ब्राजील के जंगलों में, है ना। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, हर वो बैंक का मौद्रिक स्थिति का जायजा लेता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो वो है कोरमंडल, ठीक है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के तटीय बंदरगाह है। 8वें एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी, तो वो थी रितु रानी। ओके, नोट कीजिएगा बच्चों, रितु रानी। चलिए अगला सवाल हमारा, ए इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई है, तो 12 अगस्त 1756 में। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मूविंग कोर्ट का विचार किसकी देन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। जी हाँ, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है, तो एर्नाकुलम। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनाया जाता है, तो कॉपर और जिंक द्वारा। जी हाँ। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, तो अगर बोर हो रहे हो तो मैं आपको एक बात बोल दूं कि एक होता है इमेजिनेशन और एक होता है विजन। आप लोग समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर आप इमेजिनेशन सिर्फ करोगे कि मुझे बस देख रहे हैं वीडियो को, मेरा एग्जाम निकल गया, मैं कोई अफसर बन गया, ठीक है, तो ये इमेजिनेशन करते रह जाओगे। तो इमेजिनेशन क्या देता है, तो आपको सिर्फ एक पिक्चर देता है कि आप सक्सेस हो गए हो। बट जो विजन है वो क्या देता है आपको, कि इस पिक्चर को अपना बनाने की क्षमता देता है। ये जो विजन है ना, जो आपका ध्येय है, मतलब कि आपके दृढ़ संकल्प है, जो आपका विजन है, जो आपका गिव्स यू या इंपल्स टू मेक द पिक्चर योर ऑन, इस पिक्चर यानी जो सक्सेस के पिक्चर को अपना बनाने का क्षमता देता है विजन। इसलिए इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलिए और विजन में जिए। बोर मत होइए, क्वेश्चन है जो जीके से, तो बोर लगेंगे आपको क्योंकि तो कभी आप लोगों ने इंटरेस्ट लेके पढ़ा नहीं है, अब पढ़िए। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान में मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की शुरू की थी, तो असम की। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा, नई दिल्ली में मनाया जाता है, और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, नोट कीजिएगा। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय के संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, तो वो है बाल शिक्षा। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है, तो वो है किवी, वहां की राष्ट्रीय पक्षी भी है न्यूजीलैंड की, याद रखिएगा। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, ठीक है, 1917 ईस्वी में। किसने मनसबदारी व्यवस्था की मशरूत एक नई प्रथा की शुरुआत की थी, औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब के ऊपर हमारा हिस्ट्री वाले वीडियो पे अभी आने वाला है क्विज, वो भी आप देखिएगा, सक्सेस की पे और एजुकेशन की दोनों पे। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाती है, तो लाभांश कहलाती है। सूर साम्राज्य के स्थापक थे शेरशाह सूरी। जी हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह साम्राज्य संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी थे। ये कहाँ के थे, तो ये थे बिहार से,
सासाराम से। जी हाँ, सासाराम में इनका एक मकबरा है, बहुत ही बड़ा मकबरा है इनका, मतलब भव्य है। और इन्होंने हुमायूं को हराकर मुगल वंश के ऊपर सूर साम्राज्य की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो हरियाणा की। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? तो लॉर्ड रीडिंग ने। जी हाँ, लॉर्ड रीडिंग इंपॉर्टेंट है। और ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यानी कि अमेरिका में। ओके। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूप योजना किस राज्य में चलाई गई है? तो हरियाणा में, है ना। और ये बेटी बचाओ भी यहीं पे सबसे पहले लागू हुआ था, हरियाणा में, है ना। पर बेटी पढ़ाया नहीं इन्होंने, बेटी बचाया भी नहीं। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन है? तो मुख्यमंत्री है। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई? तो शुंग काल में। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। इंडिया में सबसे ज्यादा मूंगफली, इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा बैठकर टाइम पास करते हैं। आप मत किया कीजिए, कहीं बैठकर टाइम पास मत कीजिए, उसको खाइए, सिर्फ खाकर फेंकिए। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो नील हरित शैवाल का। किस वृक्ष के तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के तेल का। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं दोबारा इस वीडियो में दिया हूँ। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडिया। जी हाँ, ज्वार जो होता है वो इंडिया में सबसे ज्यादा इसका खेती होता है। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया गया? तो कुछ कह दो इस बारे में, तो वो जल के बारे में, ठीक है। तो जीवन जो है, जल ही जीवन है, तो जीवन मिलना भाग्य की बात है ना। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना, ये आपके कर्मों की बात है। तो इसलिए कर्म कीजिए, है ना, कर्म कीजिए और फल की इच्छा ना कीजिए, सिर्फ कर्म कीजिए, आपको फल आपके पीछे भागते हुए आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको दुनिया याद रखे, तो अपना सिर्फ अच्छे कर्म कीजिए। ओके। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, अभी मैंने बताया है पिछले, सासाराम, ये जो बिहार का एक शहर है। अगला सवाल है हमारा, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में। भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग ने स्थापना की है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, आया हुआ है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से है? तो साहित्य से है। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष कौन के क्या कहलाता है? तो नायक कहलाता है। मौर्य काल में जो नगर का अध्यक्ष होता था वो नायक कहलाता था। ओके। तो वर्षा की जो बूंदे हैं, कुछ कह दो, बहुत कुछ बदलता है रोज, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। आप भी अपने हौसले मत बदलिएगा। मंजिल पाने के लिए बदलता हूँ तरीके जरूर, मगर आगे बढ़ने जाने का इरादा कभी नहीं बदलता। बच्चों आगे बढ़ते रहो, हो सकता है कि ये रूट जैसे पकड़े हो आप, मान लो बैंकिंग की तैयारी में घुसे हो और आपसे बैंकिंग निकल नहीं रहा, तो रूट गलत है, पर इरादा वही रखो कि वो निकल जाए। तो इस इरादे को भी पार कर जाओगे, इस जो व्यवस्था है इसको भी पार कर जाओगे अपने इरादे के थ्रू, ठीक है। बस तरीके बदलना कि कैसे इसकी तैयारी की जाए। घुस तो गए हैं, आ तो गए हैं, जीना कैसे है वो सिर्फ यहाँ बताना है आपको। चलिए, वर्षा की बूंदों को गोलाकार होने का क्या कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है वो। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरित रही, यानी कि फेमस रही? तो पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, पढ़िएगा, ये भी थोड़ा मोटिवेशनल है। किस शेयर के धारक की कंपनी की वास्तविक स्वामी होते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर जो शेयर मार्केटिंग से बंधे होंगे वो जानते होंगे, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की है। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड ही थे। किस बाजार की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? शेयर बाजार का। जी हाँ, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है किसको? शेयर मार्केट को। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सेना से, ठीक है।
सिनेमा से, नॉट सेना से, इट्स सिनेमा। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो बेसबॉल है। बेसबॉल आप लोगों ने देखा होगा टीवी में खेलते हुए। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्य काल के निर्माण प्राप्त किया है? तो अजात शत्रु। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र, पटना बिहार में है। अराका न्योमा किस देश में है? तो म्यांमार में। हैजा किस कीट से संबंधित है? तो घरेलू मक्खी से। जी हाँ, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थी और गिरते और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे, है ना। इसलिए आप टेंशन नहीं लेने का, जो बच्चे डिसलाइक करते हैं वीडियो को या फिर डिसकमेंट करते हैं यानी कि बेफिजूल की कमेंट करते हैं, उनसे नहीं डरना है अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते रहना है, और बच्चे जो पढ़ना पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, उस कमेंट पे ना ज्यादा जोर दें, है ना। आप अपनी पढ़ाई करें, वो तो समझ में आ ही जाएगा किसका रिजल्ट आ रहा है और किसका नहीं। इसलिए आंखों में मंजिलें तो जमाए रखिए, गिरते रहिए संभलते रहिए। अरे इससे मान लीजिए इससे बुरा और क्या पढ़ाऊंगा, है ना। पर ये जो बच्चे इस बुरे पढ़ाए हुए को भी अगर समझ जा रहे हैं तो उनको तो कभी ना कभी अच्छा अगर कोई पढ़ा देगा तो यूं ही समझ में आ जाएगा। तो समझ लो आप कितने तेज हो, है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, इनके डिसलाइक और डिसकमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। और बेफिजूल की मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि बेफिजूल की कमेंटबाजी ना करें आप लोग वीडियो के नीचे, बस स्टडी से रिलेटेड जो हो बातें करें तो अच्छा लगेगा। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ओके। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो वो है चाइना। ओके, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा की सूची समवर्ती सूची में दी गई है। भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? तो वो है संघ सूची का। ओके, यूनियन का नाम सुना होगा, ठीक है। और हमारा आज का आखिरी सवाल है, संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं टोटल 15। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ आज का हमारा क्विज हो चुका है समाप्त, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को मिल सके जो इसकी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वो हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है। तो आप भी किसी की अच्छाई देखे बिना और बुराई देखे बिना उससे शेयर जरूर कर दें हमारे इस वीडियो को, है ना। द साइन ऑफ द ब्यूटीफुल पर्सन इज दैट दे ऑलवेज सी अ ब्यूटी इन अदर, है ना। एक अच्छे इंसान का संकेत है ये बच्चों, इसलिए आप भी अच्छा इंसान बनिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्यूज में, अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।